Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्यारे छात्रों आज हम अपने इस आठवें सत्र में जो कि हमारे कोर्स टाइटल फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का आठवां सत्र है जिसका टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग और ये उसका पहला सत्र है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो लर्निंग की प्रक्रिया है यानी अधिगम है उसके क्या मूलभूत सिद्धांत हैं और उसमें किस प्रकार से शुरुआती शोध हुए और किस प्रकार से उसमें आगे की दिशा तय हुई और उसके आ, उसके मूलभूत उसमें किन प्रकार के जो फैक्टर्स हैं जो कारक हैं वो प्रभावी होते हैं और उससे हमें मनोविज्ञान में क्या 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 उसके लाभ होते हैं या क्या क्या उसका उपयोग हो सकता है इस प्रकार से हम आज अपनी इस चर्चा को करेंगे और आज का हम ये सत्र अब यहाँ शुरू कर रहे हैं और इसमें सर्वप्रथम हम ये प्रयास करेंगे समझने का कि जो अधिगम है यानी लर्निंग का जो प्रोसेस है उसका अर्थ यानी उसकी मीनिंग क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसका स्वरूप कैसा है तो इसके लिए सर्वप्रथम अगर हम अधिगम की बात करें लर्निंग के प्रोसेस की बात करें तो लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जब हमारे व्यवहार में कोई रिलेटिवली परमानेंट चेंज यानी कि एक वनस्पत एक ऐसा बदलाव आए जो कि स्थायी हो स्थाई कम से कम ऐसा हो जो कि केवल किसी क्षणिक मात्र घटना की वजह से हुआ ऐसा बदलाव ना हो बल्कि एक स्थायी रूप से हुआ बदलाव जब हमारे व्यवहार में पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने या उस व्यक्ति की कुछ लर्निंग हुई है या उसका जो अधिगम की प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है ऐसे में अधिगम के जो तीन महत्वपूर्ण उसकी परिभाषा में जो तीन महत्वपूर्ण घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है व्यवहार में परिवर्तन यानी कि जब भी हमारी लर्निंग होती है या हम कि किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसके साथ साथ हमारे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है तो ऐसे में हमें यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि सीखने से यहाँ पर तात्पर्य व्यवहार में जो हम कहते हैं उसको केवल हम ये ना समझें कि वो तात्कालिक रूप से हमें व्यवहार में बदलाव दिख ही जाए बल्कि इसको आप इस तरह से भी समझें कि आज के परिपेक्ष में जैसे हमारे जो लर्निंग के लिए के बाद जो हमारे मस्तिष्क में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसमें उसकी एक मेमोरी फॉर्म होती है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे मेमोरी और स्मृति के कुछ आगे सत्र हैं हमारे जिसमें हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम ये देखेंगे और अभी हमारी समझ के लिए इतना आवश्यक है ये समझना कि लर्निंग का ये जो प्रोसेस है या जो ये एक्टिविटी हो रही है इससे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोनल चेंजेस होते हैं यानी कि हमारे ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उनके स्तर पे कुछ बदलाव होते हैं कुछ ट्रेसेस वहाँ पर डेवलप होते हैं और उस वजह से वो जो बिहेवियर हमारे अंदर जो डेवलप हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे आगे के जो हमारे रिस्पॉन्सेज होंगे या जो बिहेवियर होंगे उसको प्रभावित करेगा और उसमें एक प्रकार का बदलाव हम नोटिस कर सकते हैं तो इस प्रकार से अधिगम में जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो उसका एक मूल स्वरूप है उसके बाद दूसरे जो क्रम में हम एक महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं अधिगम की परिभाषा में वो है व्यवहार में परिवर्तन आ, अभ्यास या अनुभूति के कारण यानी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के कारण हुए बदलाव को ही हम अधि अधिगम की संज्ञा देते हैं न कि हम ये कहें कि जो हमने सीखा है यानी अभी हमने किसी चीज़ का अनुभव किया सपोज़ अगर आप इसको उदाहरण के लिए अगर एक समझने का प्रयास करें तो अभी आपने सामने रोड पर देखा कि जब रेड लाइट जल रही है तो कुछ लोग जो भी गाड़ियाँ चल रही थी वो उस दिशा में वो रुक गई और उसके बाद जब वो लाइट ग्रीन होती है तब गाड़ियाँ फिर से आगे चल देती हैं तो ऐसे में यहाँ पर हम अधिगम से ये हमारा एक इफ़ेक्ट आएगा या ये बदलाव आएगा जब भी इस प्रकार इस तरह का अनुभव हमें होगा हम देखेंगे कि जो सामने लोग हैं वो एक पर्टिकुलर लाइट आने पर रुक जा रहे हैं तो हम भी वहाँ पर उस अनुभव को अपने अंदर जब हमने सीख लिया तो अगली बार हमारे व्यवहार में भी वो अनुभव का असर दिखेगा और या इस तरीके से अनुभव करके चीज़ों को ऑब्जर्व करके या फिर हम प्रैक्टिस के माध्यम से भी किसी कार्य को बार 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 करने के बाद हमारे व्यवहार में एक प्रकार का चेंज आ जाता है वो भी हमारा प्रैक्टिस से द्वारा जो आया गया जो व्यवहार में जो चेंज है जो बदलाव है उसको भी हम हम अधिगम की संज्ञा देते हैं इसके साथ ही साथ जो तीसरा एक महत्वपूर्ण इसका तत्व है वो ये है कि व्यवहार में जो बदलाव आते हैं वो अपेक्षाकृत यानी कि वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं यानी स्थायी होते हैं न कि वो किसी मोमेंट्री फ्लक्चुएशन की वजह से या जो प्रोसेस ऑफ एजिंग या मैचूरेशन या ग्रोथ जैसे डेवलपमेंटल ईयर्स में जो बेबी के अंदर जो बदलाव आते हैं उसकी हाइट बढ़ना उसका वेट बढ़ना या इस तरह के जितने भी बदलाव हैं उनको हम व्यवहार में बदलाव की संज्ञा नहीं देते बल्कि इसको उदाहरणार्थ अगर हम समझें तो एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बच्चा केवल चलना तभी सीख पाता है जब उसका जो शरीर है उसके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाती है यानी करीबन 10 से 12 या 10 से 14 महीनों के बीच में ज़्यादातर बच्चे चलना शुरू कर देते हैं और उसका कारण ये होता है क्योंकि उस दौरान उनका शरीर उस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है और वो उस आ, उस एक्टिविटी को अब सीख सकते हैं यानी कि हमारे जेनेटिकली बहुत सारी जो कोडेड चीज़ें हैं उसका मैनिफेस्टेशन तो हो जाता है यानी उसका उसकी वजह से हमारे शरीर में वो विकास तो हो जाते हैं परंतु वो एक्टिविटीज़ हमें आगे चल करके सीखनी पड़ती हैं और इसी क्रम में जो लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है यानी जो भाषा को हम सीखते हैं वो भी इसी प्रक्रिया के तहत यानी सीखने के ही जो ये माध्यम है या जो प्रक्रिया है उसी के तहत हम उसको ग्रहण करते हैं हालांकि हम जेनेटिकली उसके लिए कैपेबल होते हैं परंतु फिर भी जब भाषा हम सीखने के माध्यम से यानी सीखने की ये जो प्रक्रिया है उससे हम उसको ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अधिगम के कारण जो भी बदलाव आए हैं वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण इसके स्वरूप के बारे में जो अधिगम के हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे वो है मानव अधिगम में अभिप्रेरकों का महत्व यानी जो हमारे मोटिव्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है हम क्या सीखेंगे किस तरह से सीखेंगे उसमें हमारे अभिप्रेरकों का बहुत रोल होता है साथ ही साथ ये हमारे अभिप्रेरक जो अभिप्रेरक हैं वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं नेचर में वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं नेचर में तो इसके अलग अलग प्रकार हैं जैसे जब भी कभी हमें भूख लगेगी तो हम उस भूख को मिटाने के लिए हम हमेशा किसी भोजन की तरफ या खाने की तरफ हम बढ़ेंगे तो इस प्रकार की हमें ये जो हमारे अनुभव से मिलता है हमें कि हम जब भूखे होंगे तो हम भोजन की तरफ जाएंगे तो इस प्रकार का जो बायोलॉजिकल मोटिव से डिसाइड होता है जो लर्निंग वो बायोलॉजिकली उसको हम कहते हैं कि उसके अभिप्रेरक होते हैं लेकिन इसके अलावा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक भी होते हैं जिसमें हमारी अपनी रुचि अपने तमाम हमारे ओपिनियंस भाव इंटरेस्ट हमारी पर्सनैलिटी वो सब भी मायने रखता है जैसे इसका उदाहरण एक हम लेते हैं ताकि इसको हम और स्पष्ट रूप से इसको समझ पाएँ एक उदाहरण के लिए आप ये समझें कि किसी कक्षा में एक बच्चा जो पढ़ रहा है उसको टीचर ने आकर के उसको डांटा और डांटा तो उसको ये कहा कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हो तुम्हारा पढ़ाई का जो परफॉर्मेंस है जो तुम्हारा जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही खराब आया है और तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और मुझे तुमसे ज़्यादा की उम्मीद है अब ऐसे में ये बच्चा इस कारण से हो सकता है कि इस डांट की वजह से या इस एक अनुभव की वजह से उसकी जो लर्निंग की जो प्रक्रिया है यानी वो आगे चल करके वो अपना जो सीखने का जो क्रम है वो उसमें थोड़ा बदलाव लाएगा और वो इसके बाद हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस में एक सुधार दिखे हालांकि यहाँ पर इसमें कई सारे जो मोटिवेशन के एस्पेक्ट हैं उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सारे शोधार्थियों ने इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं और इस तरह की जो स्टडीज़ हैं उसमें उनके अलग अलग मत हैं उन्होंने ये पाया कि हर बार डांटने के बजाय यदि उसकी प्रशंसा की जाए तो उसका मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है और वो सीखने के प्रति जो उसकी रुचि है या उसका जो एक इंटेंशन है वो ज़्यादा वो मोटिवेट होता है सीखने के लिए तो इस प्रकार की अलग अलग स्टडीज़ भी हैं और इसमें कुछ और फैक्टर्स को भी महत्वपूर्ण माना गया जैसे वो बच्चा जिसको वो डांट मिली वो बच्चा उस उसको जिससे डांट मिली उस व्यक्ति के बारे में या उस टीचर के बारे में वो कैसा सोचता है या उसके बारे में वो कैसा भाव रखता है यदि वो टीचर को पसंद करता है तो वो उसकी बात को ज़्यादा उससे वो ज़्यादा अभिप्रेरित होगा उससे वो ज़्यादा आगे उसके सीखने के क्रम में उसको ज़्यादा मदद मिलेगी या यूँ कह लें कि वो उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो और फास्ट होगी और वो उस पर और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा इसके साथ ही यदि वो टीचर उस बच्चे का पसंदीदा टीचर नहीं है या कहीं ना कहीं उस टीचर को बच्चा पसंद नहीं कर रहा है तो उसके अंदर उसके लिए एक नेगेटिव भाव भी आ सकता है और इस कारण से हो सकता है कि वो बच्चा उसकी डांट को विपरीत दिशा में ले करके और अपना जो उसको सीखने का जो क्रम था जिसको उसे और बढ़ाना था वो उसको न बढ़ाते हुए वो उसको घटा सकता है या उस पर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो अभिप्रेरण है यानी जो मोटिव्स हैं हमारे जो कुछ इनेट मोटिव्स भी होते हैं और कुछ हमारे सोसाइटी बेस्ड एन्वायरमेंट बेस्ड मोटिव्स भी होते हैं कुछ हमारे पर्सनल मोटिव्स होते हैं तो इनसे भी हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत हद तक प्रभावित होती है तो आइए हम लोग इसके बाद आज जो हमारा एक मुख्य जो विषय है जो टॉपिक है उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चलते हैं और ये है जहाँ पर हम चर्चा करेंगे क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत की यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग का जो सबसे वन ऑफ द बेसिक और सबसे इनिशियल एक सिद्धांत जो दिया गया था उसकी हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो इवान पावलोव का नाम वहाँ पर आता है और इवान पावलोव जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और हम उनको एक साइंटिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि उन्हें आगे चल के जो उन्होंने पाचन क्रिया पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो कार्य किया था उसके लिए उन्हें आगे चल के नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इस क्षेत्र में हालांकि इवान पवलोव के अगर शुरुआती दिनों को हम देखें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां पर उनके पिता आ, पादरी थे यानी कि वो एक ऐसे रिलीजियस व्यक्ति थे जो कि चाहते थे कि उनका बेटा भी आगे चल के उन्हीं की दिशा में उसी काम को आगे बढ़ाए लेकिन पावलोव को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने अपनी एक अलग दिशा चुनी और उनका पठन पाठन में यानी कि लिखने पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी और इसी दौरान पावलोव ने मेडिकल की पढ़ाई की यानी कि उन्होंने जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने मेडिसिन को चुना और इसके बाद आगे चल के जो उन्होंने शोध कार्य किए वो डाइजेशन के क्षेत्र में उन्होंने अपने शोध कार्य किए जब शुरुआती दौर में इवान पावलोब अपने चूंकि वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे तो उनका जो इंटरेस्ट था वो किसी भी तरह से उस समय जब जिस दौर में इवान पावलोब अपना कार्य कर रहे थे उस वक्त मनोविज्ञान हम यूँ कह सकते हैं जैसा हमने अपने प्रथम सत्र में ये चर्चा भी की है कि उस दौरान में मनोविज्ञान अपने उद्भव की ओर था यानी मनोविज्ञान एक विषय के तौर पर पूरी तरह से स्थापित भी नहीं हो पाया था और उसको एक कोई बहुत विशिष्ट पहचान नहीं मिली थी तो इस उस समय में पावलोव का मनोविज्ञान या मनोविज्ञान विषय की और कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने जो अपना शोध था उसको उन्होंने बिना इस जानकारी के कि वो जो आगे पाने वाले हैं या जो आगे वो साबित करने वाले हैं वो आगे चल करके एक महान खोज बन जाएगा और इवेन हम यहाँ तक इसको कह सकते हैं कि पावलोव नोबेल प्राइज से जितने प्रसिद्ध नहीं हुए जितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल नहीं की उससे कहीं ज़्यादा बड़ी उपलब्धि उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को देने के तहत जो उनको प्रसिद्धि मिली या जिस तरीके से उनका नाम हुआ वो उनको अभूतपूर्व बनाता है तो इस प्रकार से क्लासिकल कंडीशनिंग का जो ये सिद्धांत है जो पावलोव ने दिया ये इसको इस सिद्धांत की खोज उन्होंने अपने हम कह सकते हैं कि ये जर्नी जो थी ये काफ़ी हद तक एक्सीडेंटल एक घटना थी जिसके कारण से उन्हें अनायास ही ये पता चला या उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ कि ये एक प्रक्रिया हो रही है और इस पर मुझे और ध्यान देना चाहिए तो वो कुछ इस प्रकार से हुई कि जब पावलोव अपनी जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग उन्होंने बनाई थी जो प्रयोगात्मक उन्होंने अपना जो एक जो व्यवस्था उन्होंने वहाँ पर बनाई थी जिसमें वो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो चर्चा वहाँ पर और जो अध्ययन करते हैं उसमें उन्होंने वहाँ पर उस जानवर को रखा हुआ है अपने लैब में एक यहाँ पर उदाहरण के लिए हम एक उनके जो एक्सपेरिमेंट में उस डॉग को जो उन्होंने लिया था उस डॉग को उन्होंने उस सलाइवेशन के एक्सपेरिमेंट में यानी बेसिकली बेसिकली हम कहें तो जो लार का बहना है या लार का जो स्राव है उसकी बात वहाँ पर उसकी चर्चा वहाँ पर या उसका अध्ययन वहाँ पर पावलव करते हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में और वहाँ पर वो ये पाते हैं कि जब कुत्ते के सामने यानी डॉग के सामने जब वो खाने का पदार्थ लाया जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट में वो इस खाने के पदार्थ को डॉग के सामने जब ले जाते हैं तो उस खाने को देखने के बाद और और खाने के सेवन के बाद भी वो अमूमन सलाइवा सेक्रेट करता है यानी उसके अंदर लार का स्राव होता है और इसके बाद वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में इसको अध्ययन करने का प्रयास करते रहते हैं लेकिन इस पूरे अध्ययन के दौरान उन्होंने एक ऐसा फैक्टर एक ऐसी घटना को नोटिस किया जिस जिसके बाद उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ कि यह कैसे घटित हो रहा है और वो ये थी घटना कि जब भी उस कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था उसके बाद वो लार को श्रावित करता था तो ये तो काफ़ी हद तक उनके समझ में आने वाला था कि जब वो भोजन को देखता है तो ऐसा हो जाता है लेकिन उसके बाद जिस बर्तन में उसको भोजन दिया जा रहा है उस बर्तन को देखने के मात्र उस बर्तन को देख करके बल्कि भोजन उसके सामने अभी परोसा नहीं गया उसके बावजूद केवल बर्तन को देख कर भी उसके अंदर इस प्रकार का लार का बहना वहाँ पर चालू हो जाता था और इसके बाद उन्होंने ये और नोटिस किया कि केवल बर्तन ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति खाना ला रहा है बार बार वो व्यक्ति को देखने मात्र से उसको इस प्रकार का जो लार का स्राव है यानी जो सलाइवा सेक्रीशन है वो बार बार शुरू हो जा रहा है और इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की कि केवल उस व्यक्ति के ही दिखने से नहीं उस बर्तन के ही दिखने से नहीं बल्कि उस बर्तन से जब खटकने की जो आवाज़ आती है बगल से उससे मात्र भी उसका सलाइवा सेक्रीशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इस बिंदु ने बाबलोव को बहुत कौतूहल में डाल दिया उन्हें इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बार बार क्यों हो रहा है और शुरुआती दिनों में पावलोव अपने साथियों और विद्यार्थियों के साथ बैठकर इसकी चर्चा करते थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है और जब उनका कौतूहल काफ़ी बढ़ गया तो उन लोगों ने इसकी जांच करने की यानी इसका शोध करने की उन्होंने ठान लिया कि हम इसको पता लगा के रहेंगे कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है तो उसके बाद उन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट में वहाँ पर अभी तक जो चीज़ें बस यूँ ही हम कह सकते हैं एक बिखरे रूप में कभी किसी बर्तन में कभी किसी व्यक्ति द्वारा और खाने की मात्रा और इस प्रकार की जो सेटिंग थी उसको अभी तक उन्होंने चेक नहीं किया था लेकिन इसके बाद उन्होंने एक कंट्रोल्ड सेटिंग बनाई यानी कि एक ऐसा वहाँ पर उन्होंने प्रयोग वहाँ पर शुरू किया जिसमें उन्होंने 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 ज़्यादातर जो वहाँ पर घटक थे उनको प्रयास किया कि एक जैसा उसको स्थाई रखा जाए यानी उसको कंट्रोल किया जाए और तब उसका प्रभाव देखा जाए जिसको कि बाद में हम कह सकते हैं कि वो आगे चल करके मनोविज्ञान में जो बिहेवियरिज्म का जो उद्भव होता है क्योंकि जो जॉन बी वॉटसन है जैसा कि हमने अपने पहले के सत्रों में चर्चा की थी बिहेवियरिज्म के जो जनक भी माने जाते हैं जॉन बी वॉटसन बहुत हद तक अपने जो बिहेवियरिज्म का जो उनकी जो प्रेरणा थी वो इवान पावलोव के काम से ही उनको मिली थी और यहीं से उन्होंने इस बात को ठाना था या मनोविज्ञान की ये दिशा उन्होंने मनोविज्ञान को ये दिशा देने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान को केवल ऑब्जर्वेबल एक्शंस यानी वो व्यवहार जो हमें दिखाई देते हैं या जिनका हम मापन कर सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं मनोविज्ञान को केवल उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको उनकी तरफ ऑब्जेक्टिवली हमें उसका अध्ययन करना चाहिए तो ये जो बिहेवियरिज्म की जो मूल हम कह सकते हैं उसकी धारणा थी वो बहुत हद तक पावलोव से प्रेरित थी इसके बाद पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो किया वो इस प्रकार से था कि वहां पर जब ये पूरी सेटिंग उन्होंने बना ली तो उसमें चार तरह के वहां पर समझने वाले तथ्य हैं हमारे लिए उसमें से एक है जो जिसका उन्होंने नाम रखा अपने एक्सपेरिमेंट में वो था स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनड स्टूमुलस उसको हम शॉर्ट फॉर्म में आगे इस्तेमाल जब भी करेंगे आगे की हम जब चर्चा करेंगे तो उसको हम यूसी भी कहेंगे कई बार तो आपको ये समझना है कि जब हम यूसी कह रहे हैं तो वो अनकंडीशन स्टूमुलस है इसके बाद उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट की बात की अपने एक्सपेरिमेंट में और वो था अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि यू इसके बाद एक और महत्वपूर्ण उनके एक्सपेरिमेंट में जो टर्म है वो है कंडीशनड स्टूमुलस यानी सी और एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो है कंडीशन रिस्पॉन्स और यहाँ पर एक और आपको ये दिखेगा एक और टर्म यहाँ पर जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है अब हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यू सी एस यू सी आर सी एस सी आर और एन एस कि ये पांचों जो टर्म है इनका अर्थ क्या है तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो ये स्वाभाविक उद्दीपक है इसको पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको फूड यानी कि खाना भोजन जो है उसकी संज्ञा इसको दी और यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि खाने में ये एक नैसर्गिक यानी नेचुरल क्वालिटी है कि वो जब भी प्रस्तुत किया जाएगा तो चाहे वो जानवर हो चाहे वो व्यक्ति हो उसके अंदर एक स्वतः भोजन को देखने मात्र से ही जब भोजन सामने आता है उसके सामने आने मात्र से ही एक लार का स्राव वहाँ पर होता है यानी सेक्रीशन ऑफ सलाइवा तो भोजन यहाँ पर एक ऐसा स्टूमलस है जिसको हमें उसके साथ ये नेचुरली जुड़ा हुआ है कि वो एक प्रकार का रिस्पांस जनरेट करेगा यानी ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है इसीलिए इसकी संज्ञा उन्होंने दी स्वाभाविक उद्दीपक इसको हमें कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर जो क्वालिटी है वो इनबिल्ट क्वालिटी है इसके बाद जब वो अनकंडीशनड स्टूमलस की बात करते हैं तो साथ ही साथ वो बात करते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स uh, की और यहाँ पर वो बात करते हैं सलाइवा सेक्रीशन की यानी जो हम अभी बार बार बात कर रहे हैं कि जो डॉग का जो सलाइवा सेक्रीशन का जो प्रोसेस है वो भोजन को देखते ही हो जाता है और इस कारण से भोजन का ये रिस्पॉन्स है यू का रिस्पॉन्स है यू यानी कि भोजन को देखने के बाद सलाइवा सेक्रीशन हो रहा है ये भी एक तरह का एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो यू की वजह से जनरेट हो रहा है यानी कि यू सी एस इज कॉजिंग यू भोजन की वजह से सलाइवा सेक्रीशन यानी लार का स्राव हो रहा है इसके बाद जो इनके एक्सपेरिमेंट में एक और महत्वपूर्ण टर्म है और यहीं से क्लासिकल अनुबंधन की शुरुआत भी हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो कंडीशनड स्टूम्लस की बात की ये एक ऐसा स्टूम्लस है जो कि शुरुआत में यहां पर आप देख रहे हैं न्यूट्रल स्टलस ये एक ऐसा स्टूमलस है जिसका अपना कोई स्वतः रिस्पॉन्स या किसी प्रकार का कोई स्वतः प्रतिक्रिया नहीं होती जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारे सामने एक लाइट जल जाए अचानक से या एक हल्की सी आवाज हो या हमें कोई घंटी सुनाई दे तो इसका हमारे लिए कोई अपने आप में कोई इसका नेचुरल रिस्पॉन्स हमारे लिए नहीं है इसका क्योंकि इसका कोई इनबिल्ट हमारे लिए रिस्पॉन्स बना ही नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ हमें जब तक कि उसका किसी चीज़ से कोई जुड़ाव न हो हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है जिस प्रकार से भोजन के लिए है या इस भोजन जैसी ही जो वस्तुएं हैं उनसे जुड़ा हुआ जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए इस तरह के स्टूमलस में न्यूट्रल स्टूमलस में वो मौजूद नहीं होता है इसके बाद जब इस न्यूट्रल स्टूमलस को हम कंडीशनड कर देते हैं तो वो कंडीशनड होने के बाद उस स्टूबुलस के अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि वो जैसे यूसीएस यूसीआर को यानी अनकंडीशन स्टूबुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट कर पा रहा था उसी प्रकार से आफ्टर कंडीशनिंग और ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो दो की हम बात कर रहे हैं ये आफ्टर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं यानी कंडीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि कंडीशनिंग की प्रक्रिया कैसे अंजाम उसको दिया जाता है तो यहाँ पर कंडीशनड स्टूम्लस जो है वो किसी भी प्रकार का न्यूट्रल स्टूबलस जिसको हमने अनुबंधित कर दिया है कंडीशनड कर दिया है विद यू यानी सी के साथ जब हम यू की पेयरिंग कर देते हैं मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं एक प्रकार का इसमें हम एसोसिएशन स्थापित कर देते हैं सहसंबंध स्थापित कर देते हैं तब सी के अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि वो सी को जनरेट कर सके और यहां पर सी आर ठीक यूसीआर की तरह ही होगा जैसे यहां पर भी सलाइवा सेक्रीशन सलाइवा सेक्रीशन ही जैसे यूसीएस के रिस्पॉन्स में यूसीआर हो रहा था यानी कि भोजन को देख करके सलाइवा सेक्रीशन हो रहा था ठीक उसी प्रकार से हमारे एक न्यूट्रल स्टमलस को जब अनुबंधन कर दिया जाता है यूसीएस के साथ तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी आ जाती है कि वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करे और यहां पर आप देखेंगे कि यूसीआर भी सलाइवा है और सी आर भी सलाइवा सेक्रीशन है तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जब UCS की वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो हम उसे यूसीआर कहेंगे यानी कि भोजन जब देखने के बाद फूड की वजह से जब सलाइवा सेक्रीशन होगा तो उसको यूसीआर कहेंगे और जब सी एस यानी कि जो पूर्व में न्यूट्रल स्टमुलस था लेकिन अनुबंधन के बाद और यहाँ उदाहरण के लिए हम एक घंटी को रख लेते हैं घंटी की आवाज को रखते हैं क्योंकि आगे के एक्सपेरिमेंट में हम उसी की चर्चा करेंगे तो हम उसको उदाहरण में यहाँ पर भी हम घंटी ही रखेंगे ताकि हमारी समझ में आगे उस उदाहरण में हम उसको मैच कर सकें तो यहाँ पर हम अगर इसको बेल रख लें तो बेल जो है जिसको हमने कंडीशन कर दिया है विद यू उसको यू से हमने एसोसिएट कर दिया है जोड़ दिया है तो उसकी वजह से जो पूर्व में न्यूट्रल स्टमलस था उसकी वजह से होने वाले रिस्पॉन्स को हम सी यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे अब आइए हम उस एक्सपेरिमेंट को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं जो पावलोव ने उस समय किया था और किस प्रकार से उन्होंने आ, अपने इस एक्सपेरिमेंट में इसको आ, पूर्ण किया तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में देखिए कि सर्वप्रथम ये जो बेल है यहाँ पर ये कंडीशनिंग से पूर्व का ये स्थिति है अभी कंडीशनिंग स्थापित नहीं हुई है और ऐसे में जो बेल है जो न्यूट्रल स्टूमलस है अगर वो उस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसको डॉग को सुनाया था तो अगर उन्होंने जब इस बेल को डॉग को सुनाया तो यहाँ पर उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं जनरेट नहीं हो रहा है यानी जो कि हमने पहले भी चर्चा की कि न्यूट्रल स्टमलस अपने आप में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वतः व्यवहार या रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता है क्योंकि ये उसकी क्षमता नहीं होती इसके बाद जब कंडीशनिंग की जाती है जिस दौरान हम कंडीशनिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं उस वक्त क्या होता है कि जो बेल है जो अभी तक न्यूट्रल स्टमुलस है उस बेल को सुनाने के बाद यहाँ पर तुरंत उसी के बाद उसके तात्कालिक बाद यानी कि जैसे ही बेल बजाई उसके तुरंत बाद उस डॉग को यहाँ पर भोजन परोस दिया जाता है उसके सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया जाता है और चूंकि हम ये जानते हैं कि भोजन अनकंडीशन स्टूमुलस है यानी उसके अंदर एक क्षमता है कि वो एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जनरेट करे उसकी इस क्षमता की वजह से यहाँ पे हम देखेंगे कि सलाइवा सक्रीशन हो रहा है अब बेल बजती है उसके तुरंत बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सलाइवेशन यानी कि सलाइवेशन की जो प्रक्रिया है वो हो रही है इसके बाद इस प्रक्रिया को यानी जो कंडीशनिंग का ये जो ट्रायल चल रहा है इसको कई बार रिपीट किया गया उनके एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने इसको कई बार रिपीट किया और उस रिपीटेशन के बाद अनुबंधन जब स्थापित हो गया यानी कि जब बार बार इस चीज़ को इस ट्रायल को बार बार दोहराया गया तो डॉग ने बेल को UCS के साथ एसोसिएट कर लिया यानी उसे ये संबंध उसने घंटी को भोजन की प्रस्तुति से जोड़ लिया और इस एसोसिएशन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आफ्टर कंडीशनिंग जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रल स्टूमलस की वजह से कोई किसी प्रकार का सलाइवेशन नहीं हो रहा है लेकिन अब कंडीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ये जो बेल है जो अभी तक न्यूट्रल स्टूमलस की तरह उसको आ, उसकी पहचान थी वो यहाँ पर बदल के कंडीशनड स्टूमलस बन गया है क्योंकि कंडीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद कंडीशनड स्टूमलस के अंदर ये क्वालिटी है कि अब वो सेलाइवेशन को जनरेट कर सकता है यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स को वो जनरेट कर सकता है तो ये क्वालिटी यहाँ पर कंडीशन स्टूमलस ने एक्वायर कर ली क्योंकि उसका एसोसिएशन यू के साथ हो गया यानी कि उसकी कंडीशनिंग डॉग ने ये सीख लिया कि जब बेल बजेगी उसके तुरंत बाद भोजन प्रस्तुत होता है इसलिए भोजन की उस एक्सपेक्टेंसी ने उस उम्मीद ने उस प्रत्याशा ने डॉग के अंदर सलाइवा सेक्रीशन को की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर दिया जिसकी वजह से उसको लार का स्राव वहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आ, हमने देखा कि किस प्रकार से पावलोव ने इसको सिद्ध किया और यहाँ पर जो उन्होंने खोज की उसको उन्होंने फिर रिपोर्ट किया कि किस प्रकार से हम दो अलग अलग स्टूमल्स को यानी कि जो नेचर में अलग हैं उन दो स्टूमुलस को हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और उसके बाद हम व्यवहार में उसके अनुसार एक परिवर्तन ला सकते हैं तो इस प्रकार से दो उद्दीपक के बीच में दो स्टूमलस के बीच में एसोसिएशन की जो ये प्रक्रिया है जो एक सामान्य प्रक्रिया है इसको कंडीशनिंग कहा गया और आगे चल करके के इसको क्लासिकल कंडीशनिंग क्योंकि ये खुद में एक बहुत ही कालजई खोज थी और एक बहुत ही बड़ी एक क्लासिकल इसको संज्ञा दी गई इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है और ये लर्निंग का सबसे सिंपलेस्ट हम कह सकते हैं कि सिद्धांत है जो हमारे सीखने के सबसे बेसिक तरीके को दर्शाता है इसके बाद क्लासिकल अनुबंधन से जुड़े हुए कुछ मूलभूत बातें हैं जो कि पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में आगे चल करके स्थापित की और यहाँ पर ये जानना रोचक हो जाता है कि चूँकि पावलोव जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे उसके बावजूद उनका जो नेचर ऑफ स्टडी था वो इतना अलग होने के बावजूद जो उनके आगे की जो उनके जब उन्होंने ये खोज की क्लासिकल कंडीशनिंग की जब उन्होंने खोज की उसके बाद उनका जो पूरा ध्यान था या यूँ कह लें कि जो आगे के उनके वर्ष थे और लगभग तीस वर्षों तक उन्होंने अपनी सारे शोध अपनी सारा ध्यान केवल इसी क्षेत्र में लगा कर रखा जो कि कंडीशनिंग यानी कि लर्निंग के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से वो इस खोज से कितने प्रेरित थे और कितना ज़्यादा उनको इस क्षेत्र में इंटरेस्ट था तो ये उस चीज़ को भी दर्शाता है और आज के परिपेक्ष में हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हमें ये लगे कि ये कोई बहुत बड़ी खोज तो नहीं थी ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है लेकिन आप यकीन करिए कि उस समय में जब इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स साइकोलॉजी की फील्ड में नहीं हो रहे थे और इस प्रकार की खोज को स्थापित करना कि हम किन्हीं दो स्टूमलस के पेयर से किसी के भी व्यवहार को चेंज कर सकते हैं शुरुआत में ये हुआ केवल जानवरों के ऊपर यानी एनिमल स्टडीज़ ज़्यादा हुई और उनसे सीखने के बाद और इस प्रकार के आगे जो कंडीशनिंग के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बहुत सारे जो जो विद्यार्थी जिन्होंने इसको सीखा जिन्होंने इसमें आगे चल के अध्ययन किया उसमें से बहुत सारे लोगों ने इसको शुरू में जानवरों तक ही सीमित रखा और इस प्रकार से कुछ एक्सपेरिमेंटर्स ने जानवरों को ही ट्रेन करने के लिए इस विधि को यूज़ किया हालांकि उसके बाद एक जब बिहेवियरिज्म का हम कह सकते हैं जब डोमिनेशन आता है तो उस दौरान इस पर्टिकुलर सिद्धांत का एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये माना गया कि जब हम इस प्रकार से मानव की जो सीखने की जो क्षमता है जो उसके पीछे का एक कारण हम एक्सपेरिमेंट की मदद से स्थापित कर पाए या खोज पाए तो हम उससे जुड़े हुए और भी आगे जितने भी उसके प्रतिक्रियाएं हैं या जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं हम उनकी भी खोज कर सकते हैं या कर पाएंगे तो इस तरीके से क्लासिकल अनुबंधन अपने आप में एक बहुत ही रोचक और हम कह सकते हैं कि एक कालजयी घटना थी इसके बाद जो इसमें चार महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग्स थी जो पावलोव ने और उनके साथियों ने समय के साथ जब उन्होंने अपने शोध किए तो उन्होंने जो इसमें दी इस क्षेत्र में उसमें से पहली है कि जो कंडीशनड स्टूमलस है उसको अनकंडीशन स्टूमलस से पहले प्रस्तुत करना ज़रूरी है यानी कि अगर इसको हम दोबारा से उस तरह से देखें अपने एक्सपेरिमेंटल तौर पे तो बेल जब बजती है तो बेल हमेशा भोजन के आने से पहले बजनी चाहिए ये एक ज़रूरी इसके साथ घटना हो जाती है और इसका हम आगे भी चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा है और क्यों जो बेल है यानी जो सी एस है हमारा यहाँ पर उसको यू सी एस से पहले आना क्यों ज़रूरी है क्योंकि यदि घंटी भोजन से पहले नहीं बजेगी तो जो सेलाइवेशन का प्रोसेस है उससे हम फूड फूड की वजह से तो सेलाइवेशन होता ही है लेकिन घंटी क्योंकि भोजन के आने को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है यानी उसको वो नहीं बता पा रही है कि इसके बाद घंटी बजने के बाद भोजन आएगा तो इस वजह से घंटी का कोई महत्व नहीं रह जाता इस वजह से जो डॉग है या इस एक्सपेरिमेंट में जो भी जानवर है उसके अंदर सलाइवा सेक्रेशन नहीं होगा क्योंकि सी का यू के साथ पेयरिंग यानी जुड़ाव नहीं हो पाया इसलिए इन दोनों को की जो प्रस्तुति है उसके क्रम में सी एस को हमेशा यू सी एस से पहले आना ज़रूरी है इसके बाद सी एस यानी कंडीशनड स्टूमलस और अनकंडीशनड स्टूमलस के बीच जो समय का अंतर है यानि जो उनके प्रस्तुतिकरण का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत कम होना चाहिए और इवन एनिमल्स की जो स्टडीज़ की पावलोव ने उसमें उन्होंने बाद में ये स्थापित किया कि ये समय लगभग ज़ीरो दशमलव दो सेकेंड से ले करके दो सेकेंड के बीच का होना चाहिए इससे ज़्यादा या इससे कम का जो गैप होगा वो उसकी उसके बाद हम अनकंडीशन स्टूम्लस को कंडीशनड स्टुमलस के साथ यानी जो पूर्व में न्यूट्रल स्टूबलस है उसके साथ उसको एसोसिएट या जुड़ाव नहीं कर पाएंगे इसलिए इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है दो उद्दीपकों की जो प्रेजेंटेशन की जो टाइमिंग है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होना चाहिए इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड से जो निष्कर्ष निकाला उसमें ये था कि जो न्यूट्रल स्टमलस है उसको यू के साथ कई बार जोड़ना ज़रूरी यानी कि जो पेयरिंग का जो तरीका है जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हैं उन्हें कई बार रिपीट किया जाना चाहिए केवल एक बार या दो बार से ये संभव नहीं हो पाएगा उनका मानना था उनका अपनी खोज के बाद उन्होंने ये स्थापित किया कि न्यूट्रल स्टूमलस जैसा कि हमने अपने पिछली स्लाइड में भी यहाँ पर देखा था कि ये जो ड्यूरिंग कंडीशनिंग की जो हम बात कर रहे थे इसमें इस ट्रायल को कई बार रिपीट किया गया कई बार दोहराया गया तब जा कर के हमारे हमारे जो न्यूट्रल स्टूम्लस है वो कंडीशनड स्टूम्लस में कन्वर्ट होता है और इसीलिए इसकी पेयरिंग बार बार करना जरूरी है इसके बाद जो चौथा जो प्रिंसिपल जो उन्होंने अपने खोज के आधार पर प्रतिपादित किया था वो ये था कि सी एस जो कंडीशनड स्टुम्बलस है जो कि पूर्व में एक न्यूट्रल स्टूमलस भी है उसको एक उसकी विशिष्ट पहचान होनी चाहिए यानी कि वो वातावरण में जो चीज़ें हो रही हैं वातावरण में जो आसपास जो इनपुट आ रहे हैं उससे स्पष्ट रूप से उसे अलग प्रतीत होना चाहिए जैसा यहाँ उदाहरण के लिए हम अगर दोबारा से घंटी की बात करें तो घंटी उस समय वहाँ पर हो रही जितनी भी घटनाएँ थी उनमें एक अलग तरह का वो उद्दीपक थी क्योंकि अगर हम यहाँ कहें कि वहाँ पर और लोगों की जो मौजूदगी है वो इसलिए इतनी विशिष्ट या अलग नहीं दिखती क्योंकि वहाँ कई लोग खड़े हैं बहुत सारे लोगों की वहाँ पर प्रेजेंस है या यूँ कह लें कि वहाँ जो लाइट जल रही है कई तरह की अगर लाइट जल रही हैं तो उसमें उन सभी का प्रभाव आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल हो जा रहा है लेकिन जो बेल की आवाज़ है वो चूंकि एक विशिष्ट अलग तरह की वो उद्दीपक की तरह वहाँ उभर के सामने आती है इसलिए जो सी एस यानी कंडीशन स्टुम्बलस है उसकी एक विशिष्ट पहचान होना जरूरी है और इसीलिए कंडीशनड स्टुम्बलस की जो इंटेंसिटी है वो इसमें बहुत मायने रखती है कि कंडीशनड स्टुमलस की जो इंटेंसिटी होगी अगर वो ज़्यादा होगी तो उसको एक अलग पहचान यानी स्पेशली उसको नोटिस करना किसी भी व्यक्ति के लिए या अगर हम एनिमल स्टडी की बात करें तो उस एनिमल के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है तो इस तरह के ये चार निष्कर्ष पावलोव ने अपने क्लासिकल अनु क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से जुड़े हुए ये चार मूलभूत उन्होंने फाइंडिंग्स को अपने लगातार शोध के बाद प्रस्तुत किया इसके बाद हम बात करते हैं उसी से जुड़े हुए इनके पावलोव के इसी सिद्धांत से जुड़े हुए और कुछ फाइंडिंग्स को जिसको कि उन्होंने बताया कि जब हमारे पास इस प्रकार का जब कंडीशनड स्टूमलस और कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया है उसके पूर्ण होने के बाद इसकी भी संभावना बनती है कि जो हमारा कंडीशन स्टूमलेस है जिसकी हमने यहाँ पर बात की थी कि जो एक बेल है उसके उस उद्दीपक की एक क्वालिटी यह है कि उसकी एक प्रकार की आवाज़ है और क्या ऐसा हो सकता है कि बेल की ही तरह सुनाई देने वाला एक और हमारे पास उपकरण हो हम उसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिंग की तरह रख लें कि कोई ऐसा उपकरण जो रिंग करता हो या रिंगिंग करता हो तो ऐसा कोई उपकरण क्या वो भी वही प्रभाव ला सकता है जो अभी तक हमारा बेल यानी कि जो सी की तरह हो गया था क्या उसी की तरह एक दूसरा मिला जुला उसका जो उद्दीपक है मिलता जुलता हु वैसा नहीं लेकिन एक मिलता जुलता उद्दीपक क्या वही रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है यानी कि रिंगिंग को यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल स्टमलस मान सकते हैं क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हुई है जैसी बेल की पेयरिंग हुई है लेकिन क्या रिंगिंग भी कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा सेक्रीशन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है तो इसको पाया गया कई शोध के द्वारा यह पाया गया कि कंडीशन स्टूम्लस की ही तरह जब एक दूसरा मिलता जुलता स्टूम्लस वहां पर उसको प्रदान किया जाता है या वहां प्रस्तुत किया जाता है तो उसके रिस्पांस में वहां पर सीआर यानी कि जो कंडीशन रिस्पांस है वो जनरेट होता है और हालांकि उसकी इंटेंसिटी जो सीएस के आ, जो प्रभाव से जो रिस्पॉन्स आ, आ रहा है वो उतना नहीं होता उतना तीव्र नहीं होता परंतु फिर भी वहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है इस वजह से इसको संज्ञा दी गई स्टूमुलस जनरलाइजेशन की यानी एक समान जो उद्दीपक हैं उसमें एक की कंडीशनिंग जो हुई है उसकी कंडीशनिंग उसी के समान जो उद्दीपक हैं दूसरे उद्दीपक हैं उनमें भी वो कंडीशनिंग ट्रांसफर हो जा रही है या उनके बीच में भी वो उसका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण हो जा रहा है उससे भी वही प्रभाव उत्पन्न हो पाता है इसके बाद जो दूसरे तरह का एक और इसमें सिद्धांत है उसकी हम बात करते हैं वो है स्टूमुलस डिस्क्रिमिनेशन की जब हम स्टूमलस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो जैसे अभी हमने बात की कि यहाँ पर बेल और रिंगिंग के बीच में यानी दोनों एक प्रकार की मिलती जुलती साउंड हैं तो वहाँ पर एक का प्रभाव दूसरे के पास ट्रांसफर हो जा रहा है यानी वो भी उसी उद्दीपक की तरह उसको जो प्राणी है व्यक्ति है या जानवर है वो उसको उसी तरह से जनरलाइज कर रहा है लेकिन साथ ही साथ वो डिस्क्रिमिनेट भी कर पाता है यानी दो मौजूद उद्दीपकों में वो एक अंतर भी प्राप्त कर पाता है या उसको एक डिस्क्रिमिनेशन में उसकी एक क्षमता है कि वो उन दो मौजूद उद्दीपकों में डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है उनके बीच में वो अंतर बता सकता है और इस वजह से कंडीशनड स्टूमुलस की वजह से जो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था उसी से अगर कोई दूसरा मिलता जुलता अगर उद्दीपक है तो वो जैसे हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक न्यूट्रल स्टूमलस का एग्जाम्पल लेते हैं वो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगा और ये इस वजह से होगा क्योंकि जैसा कंडीशन स्टूम्लस का जो नेचर है या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं व्यक्ति या जो जानवर इस एक्सपेरिमेंट में भाग ले रहे हैं वो ये पहचान जाते हैं कि ये जो न्यूट्रल स्टूमलस है इसका नेचर अलग है इसके गुण अलग हैं कंडीशनड स्टुमलस से और वो इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं यानी विभेदन करने में सक्षम हो पाते हैं इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है तो ये स्टूम्लस डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रिया है इसके बाद एक और तरह का जो खोज पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया वो था एक्सटेंशन की प्रक्रिया यानी विलोपन की प्रक्रिया और एक्सटेंशन की प्रक्रिया में पावलोव ने ये देखा कि क्या ऐसा है कि अगर हम जो सीखने की जो हमारी परिभाषा है वो ये है कि हम कोई भी जब तक रिलेटिवली परमानेंट चेंज यानी कि यदि हमने कुछ सीख लिया है तो वो हमारे अंदर परमानेंट हो जाता है एक हद तक तो ऐसे में क्या ये व्यवहार जब इसको बार बार रिपीट किया जाए और वहाँ पर हम सी को बिना किसी यू की पेयरिंग के जब उसको प्रस्तुत करेंगे तो क्या ये कितने समय तक बना रह सकता है इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स कितने समय तक के लिए बना रह सकता है यानी इसको समझने के लिए आप देखें कंडीशनड स्टूबलस को प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है यानी बेल की जो प्रेजेंस है वो सलाइवा सेक्रीशन को अंजाम देती है लेकिन ये इस वजह से हो पा रहा था क्योंकि डॉग को ये एक्सपेक्टेड था कि सी एस जो है दैट विल बी फॉलोड बाई यू सी एस मतलब बेल के बजने के बाद हमेशा फूड अपीयर होता है लेकिन क्या हो यदि बेल के बजने के बाद भोजन न दिया जाए और ये ट्रायल बार 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 अगर रिपीट किया जाए तो क्या होगा यानी कि सी एस के बाद जब यू सी एस नहीं आएगा मतलब बेल बजने के बाद जब भोजन नहीं आएगा और ये बार बार हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया कि शुरू में जब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाइम की हम बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की यानी कि जो हमारा उद्दीपक है जो उसकी आ, उसकी जो एसोसिएशन हुई है न्यूट्रल स्टूमलस की जो एसोसिएशन हुई है यू के साथ यानी जो कंडीशनिंग हुई है वो कितनी स्ट्रोंग है तो ये पाया गया कि जब शुरुआत में न्यूट्रल स्टूमलस का कोई किसी प्रकार का कोई आ, उसका प्रभाव नहीं है लेकिन जब समय के साथ उस उस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद द टाइम जो न्यूट्रल स्टूमलस है वो यू के साथ उसकी पेयरिंग हो जाती है और उसके बाद वो काफ़ी जुड़ाव उसका हो जाता है यू के साथ इस वजह से वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाने में सक्षम होता है इसके बाद कुछ ट्रायल्स ऐसे हुए जिसमें ये यह यहाँ पर सी एस और यू सी एस की पेयरिंग बार बार दी जा रही है इस इस स्पेस में यहाँ से लेके यहाँ तक की अवधि में आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की अवधि में कंडीशन स्टूमलस और अनकंडीशनड स्टुमलस की पेयरिंग बार बार दी जा रही है इसके बाद ये देखा गया कि जब यू सी एस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है यानी कि सी एस तो दिया जा रहा है मतलब बेल तो बज रही है परंतु भोजन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है यानी कि यू सी एस वहाँ पर मौजूद नहीं है ऐसे में ये पाया गया कि एक गिरावट देखी गई क्योंकि जब यू सी एस की गैर मौजूदगी है और लंबे समय तक ये ट्रायल बना रहा बार बार चलता रहा तो उसके बाद जो ऑर्गेनिज़्म है या जो प्राणी है या जो जानवर है एक्सपेरिमेंट में उसने दोबारा से उसकी ये लर्निंग हुई यानी हम कहते हैं कि एक बार उसने ये सीखा कि बेल बजने पे भोजन आता है तो उसके बाद जब बहुत बार ऐसा हुआ कि बेल बजने के बाद भोजन नहीं मिला तो उसने ये भी सीखा कि बेल बजने से भोजन नहीं आ रहा है तो इसलिए जो उसका रिस्पॉन्स है वो विद द टाइम काफ़ी गिर जाता है और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो लगभग खात्मे की तरफ चला जाता है या उसका विलोपन हो जाता है जिसके लिए पावलोव ने जो टर्म यूज किया वो था एक्सटेंशन हालांकि इसको आगे चल करके अब उन्होंने फिर से टेस्ट किया और ये देखा कि क्या एक बहुत लंबा गैप देने के बाद और इस बीच में इसको हम कह सकते हैं कि ये एक महीने का या दो महीने का गैप है यहां पर जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में किया जब उन्होंने ये देख लिया कि एक्सटेंक्शन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है विलोपन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है जिसमें से अब सी उस तरह से कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है यानी जो बेल बजना है उसकी वजह से अब सलाइबा सेक्रीशन ना के बराबर या नहीं हो रहा है उसके बाद उन्होंने एक दो महीने की वहाँ पर रेस्ट किया उस जानवर को रेस्ट दिया और उसके बाद उन्होंने पुनः वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया तो उन्होंने ये पाया कि जो रिस्पॉन्स यहाँ तक आ गया था यानी कि कंडीशन स्टूमलस की वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पा रहा है उसमें उन्होंने देखा कि एक काफ़ी बदलाव आ गया और इसको उन्होंने ये जो बदलाव है यानी उसके बाद जो पहला ट्रायल किया गया इतने लंबे रेस्ट के बाद उसके बाद उन्होंने देखा कि जो उसका सलाइवा सेक्रीशन था वो उस मात्रा में तो नहीं था जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा था सलाइवा सैक्रेशन परंतु ये इतना कम भी नहीं है जितना एक्सटेंशन में बताया गया कि अब इसका कोई महत्व या कोई पेयरिंग नहीं रह गई है इसका अब कोई इसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हो रहा है उसके विपरीत यहाँ पर देखा गया कि एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी यहाँ पर है और इसके बाद उसको विद द टाइम जब और ट्रायल्स दिए गए तो उसकी वजह से वहाँ पर यह फिर से देखा गया कि उसी प्रकार से पुनः उसने उस लेवल को अचीव कर लिया कंडीशन स्टूमलस ने फिर से जैसे पूर्व में वहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट हो पा रहा था ठीक उसी तरह से यहाँ इसके बाद काफ़ी कम ट्रायल्स में ही उस लेवल को फिर से अचीव कर लिया और फिर इसके आगे भी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और पुनः जब उसके बाद फिर से ये वाली कंडीशन दोहराई जाती है जहाँ पर सी के बाद यू सी अपीयर नहीं हो रहा है ऐसी अवस्था में फिर से उन्होंने देखा कि एक्सटेंक्शन की प्रक्रिया हो रही है तो ऐसे में हम ये देख पाते हैं यहाँ पर कि अपने इस शोध के माध्यम से पावलोव ने यहाँ पर यह सिद्ध किया कि एक्सटेंशन की जो प्रक्रिया है यानि कि जो विलोपन की प्रक्रिया है उसमें जो प्रतिभागी है या जो इस एक्सपेरिमेंट में जो अगर कोई एनिमल का उसमें पार्टिसिपेशन है तो समय के साथ अगर सीएस के बाद यूसीएस नहीं आ रहा है और ये लंबे समय तक हो रहा है यानी जो कंडीशनिंग की जो प्रोसेस जो पूरा हुआ था वो वीक हो जाता है विद द टाइम और काफ़ी हद तक उसका विलोपन हो जाता है लेकिन वो पूरी तरह से हमारी स्मृति से वो नहीं जाता क्योंकि जो लर्निंग हुई थी वो रिलेटिवली परमानेंट हुई थी और यहाँ पर आपको फिर से जो अधिगम की परिभाषा है वो यहाँ पर याद करनी चाहिए कि अधिगम की परिभाषा ही यही थी कि अनुभव के आधार पे या प्रैक्टिस के आधार पे हमारे व्यवहार में जो आ, जो ऐसे बदलाव आते हैं जो अपेक्षाकृत अस्थाई होते हैं यानी कि रिलेटिवली परमानेंट होते हैं उसको हम लर्निंग की संज्ञा देते हैं यानी हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी बदलाव जो अपेक्षाकृत स्थाई होते हैं उनको हम अधिगम की संज्ञा देते हैं तो ऐसे में जो एक्सटेंशन की जो प्रक्रिया हो रही है उसके बावजूद जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं मौजूद है हमारे मस्तिष्क में उसकी जो प्रोसेसिंग है वो वहाँ पर मौजूद है इसीलिए आगे चल करके जब स्पॉन्टेनियस रिकवरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसी प्रक्रिया को ये दर्शाता है कि काफ़ी समय जाने के बाद भी उस प्रक्रिया को जब हमने ये मान लिया कि वो प्रक्रिया भुला दी गई है यानी उसका विलोपन हो गया है उसकी जो कंडीशनिंग थी वो कमज़ोर पड़ गई है उसके बाद भी कुछ समय के बाद वो फिर से यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिकवरी के रूप में वो प्रदर्शित होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लर्निंग की प्रक्रिया थी वो सच में रिलेटिवली परमानेंट प्रक्रिया है इसके बाद एक और प्रकार का उन्होंने अपने शोध में एक और उन्होंने प्रक्रिया को उन्होंने खोजा और वो था उच्चतर कोटि अनुबंधन यानी कि हायर ऑर्डर कंडीशनिंग और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में उन्होंने ये खोजा कि जैसे अगर हम इसको दोबारा से उनके एक्सपेरिमेंट के ही तौर पर देखें जो पावलोव ने किया तो उन्होंने सर्वप्रथम सी एस प्रेजेंट किया उसके तुरंत बाद यू सी एस प्रेजेंट किया और उसके बाद यहाँ पर शुरुआत में यू सी आर हो रहा था यानी कि अगर इसको हम फिर से अगर इसको हम रिवाइज़ करें तो फूड सबसे पहले बेल फिर फूड और उसके बाद सलाइवा सेक्रीशन तो इसको हम यहाँ पर शुरुआती जो अनुबंधन का जो ट्रायल था वो इस प्रकार से हुआ इसके बाद इसको पूर्ण होने के बाद सी एस की ये कैपेसिटी ये क्षमता हो गई कि वो सी आर को जनरेट कर सके यानी कि बेल जो है वो सलाइवा सेक्रीशन को जनरेट कर पा रहा है ऐसे में जब यह अनुबंधन पूर्ण हो जाता है तो क्या हम सेल ये जो कंडीशनड स्टूमलस है इसके साथ हम किसी और उद्दीपक को जोड़ सकते हैं यानी कि यहाँ पर यह देखा गया कि जब उन्होंने अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर अगर इसको हम बेल कहें तो यहाँ पर एक साथ इसके हम और ले लें और अगर सपोज उसको हम लाइट की संज्ञा दे दें एक और न्यूट्रल स्टूमलस ये न्यूट्रल स्टूमलस है जिसकी पेयरिंग कंडीशन स्टमलस के साथ की गई यानी कि इस प्रक्रिया में आप ये देख सकते हैं कि कहीं पर भी यूसीएस मौजूद नहीं है यानी फूड जो एक्चुअल में नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो यहां पर मौजूद नहीं है ऐसे में केवल यहां पर कंडीशनड स्टुमलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स की अवस्था में अगर एक और न्यूट्रल स्टुम्बलस को वहाँ पर पेयर करने का प्रयास किया जाए या उसको एसोसिएट करने का प्रयास किया जाए तो क्या होता है इसकी फाइंडिंग भी अपने शोध में पावलोव ने करने का प्रयास किया और उन्होंने ये पाया कि जो कंडीशनड स्टुमलस है अगर न्यूट्रल स्टूबलस उसको प्रिडिक्ट कर रहा है यानी उससे उसका एसोसिएशन हो जाता है तो आगे चल के ये जो न्यूट्रल स्टमलस है यानी जिसकी अभी हम यहाँ बात कर रहे थे ये जो लाइट है इसके अंदर भी एक क्षमता आ जाती है कि ये कंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके यानी सलाइवा सेक्रीशन को ये जनरेट कर पाने में सक्षम है हालांकि उस उतनी इंटेंसिटी में नहीं जितनी इंटेंसिटी में कंडीशन स्टूम्बलस यानी कि बेल करती है परंतु फिर भी न्यूट्रल स्टमलस इसको पूर्ण करने में इस तरह की जो रिस्पांस को जनरेट करने में उसका भी एक कह सकते हैं कि एसोसिएशन के बाद वो भी इसमें सक्षम हो जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि यूसीएस की गैर मौजूदगी में भी यानी भोजन की गैर मौजूदगी में भी केवल बेल के साथ यानी जो पूर्व में खुद एक न्यूट्रल स्टूबलस था और एसोसिएशन के बाद वो एक कंडीशन स्टूम्लस बना ऐसे में उस स्टूमलस के साथ हम एक और न्यूट्रल स्टूमलस जो कि हमारे इस उदाहरण में हमने लाइट को रखा तो लाइट को भी अगर हमने उसके साथ एसोसिएट किया यानी बेल के साथ हमने अगर लाइट को एसोसिएट कर दिया बिना यू की मौजूदगी यानी बिना भोजन की मौजूदगी के तो लाइट का भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो गया यानी लाइट के अंदर भी एक क्षमता कंडीशनिंग की वजह से ये आ गई कि उसकी वजह से भी कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो पा रहा है तो आज हमने कुछ मूलभूत बातें यहाँ आपने इस सत्र में आज चर्चा की और इसके बाद इसी से इसी को हम अपने अगले सत्र में इस चर्चा को जारी रखेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य और क्लासिकल अनुबंधन के व्यवहारिक उपयोग के बारे में भी हम अपने अगले सत्र में बातचीत करेंगे और उसमें हम इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग यानी जो अधिगम के मूलभूत सिद्धांतों का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी हम अगले अपने सत्र में चर्चा करेंगे तो आज के हमारे इस सत्र को हम अब यहाँ पर समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस सत्र से आपको अधिगम की जो जो अवधारणा है उसको समझने में मदद मिली होगी और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद